हेलो बच्चों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कोस की चार प्रॉपर्टी पे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? देखो, सबसे पहले तो है कोस टू ए का फॉर्मूला होता है क्या? कोस टू ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी अपन कोस की पढ़ेंगे, कौन सी वाली? कोस की दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कोस टू ए, इसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वेयर ए माइनस का साइंस स्क्वेयर ए। तीसरी अपन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कोस की कोस टू ए, जिसका फॉर्मूला आपके पास होता है 2 कोस स्क्वेयर ए माइनस 1। और जो अपन लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आज अपनी, वो क्या है? वो है कोस, जो अपनी लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कोस की? वो है, तो लास्ट प्रॉपर्टी कोस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइंस स्क्वेयर। देखो, वन बाई वन अपन सारी प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन देखते हैं कि इन चारों प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन होगा क्या। तो देखो, आज की वीडियो में इनका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो कैसे करोगे भाई। देखो देखो, वन बाई वन प्रॉपर्टी करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्या था मेरे पास भाई। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में था कोस 2a। ठीक है। अब देखो, मैं कोस ए 2a को ऐसा नहीं लिख सकता, कोस ए प्लस ए भाई। कोस 2a क्या होगा? कोस ए प्लस ए। और मेरे को पता है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी। इसकी अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊं तो इसकी आइडेंटिटी अपने पास क्या होती है? इसकी आइडेंटिटी होती है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए और साइन बी, यही प्रॉपर्टी होती है। तो देखो, अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को यूज करता हूँ, इसी प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ, तो मेरे पास क्या मिलेगा इस वाले क्वेश्चन, इस वाले केस में? कोस ए, ए का काम यही कर रहा है, इंटू कोस बी, उसका काम भी ये कर रहा है, माइनस साइन ए इंटू में साइन बी। तो इसको मैंने क्या लिख लिया, कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। एक प्रॉपर्टी तो मेरे पास ये थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये आई। चार प्रॉपर्टी पढ़ी आपने। अब देखो, मैं इसी को आगे कैसे करता हूँ। अगर मैं इसके नीचे वन मान लूँ तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है। और आपको एक चीज़ और पता है कि ये तो ठीक है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, आपको एक चीज़ और पता है। क्या पता है? कि जो मेरे पास वन होता है उसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? ठीक है, ये मेरे पास दूसरी चीज़ आ गई। अब देखो, मैं इसको आगे कैसे करता हूँ। मैं इसको आगे करता हूँ कि क्या मिला था अपने को, मिला था रिजल्टेंट में कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए अपोन में कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए, यही रिजल्ट में मिला था। अब मैंने देखो क्या किया, मैंने इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करवाया? कोस से। तो डिवाइडिंग करवा दिया मैंने, डिवाइडिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वेयर ए। अगर कोस स्क्वेयर ए से डिवाइड करूँगा तो देखो क्या था, कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। इसको पूरे को डिवाइड करवा रहे हो कोस स्क्वेयर ए से, ऐसे ही कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए पूरे को डिवाइड करवा रहे हो कोस स्क्वेयर ए से। अब देखो इसका मतलब, कोस को कोस से करवाऊँगा वन आएगा, साइन को कोस से करवाऊँगा तो क्या आएगा, टैन स्क्वेयर ए। ऐसे ही कोस को कोस से कराऊंगा वन आएगा और साइन को कोस से कराऊंगा टेन स्क्वायर है। एक प्रॉपर्टी मेरी ये थी, आ गई। ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिर से वहीं से शुरू करना है आपको। कहाँ से? क्या था आपके पास? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। अब आपको एक बात पता है कि क्या पता है भाई, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए वन होता है, पता है? ठीक है, कितना होता है? वन। और अगर मैं किसी एक की वैल्यू निकालना चाहूँ, किसकी निकाल रहता हूँ, कोस की, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोस की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर ए की जगह बिल्कुल, और माइनस साइन स्क्वायर आपके पास है। अब देखो, माइनस माइनस के ऐड होंगे तो 2 साइन स्क्वायर ए। थर्ड प्रॉपर्टी मेरे पास ये थी, थर्ड आ गई। और देखो फोर्थ कैसे करते हैं, इस बार मैंने यही है मेरे पास, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मैंने साइन को लिख लिया क्या यहाँ से, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए
साइन की जगह लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है प्रॉपर्टी का यूज करके। अब देखो ये बन गया कॉस स्क्वायर है माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर है, हो गया कितना 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। तो देखो इस आज की वीडियो में इतना ही था, अपन ने 4 टिग्नो कॉस 2a की प्रॉपर्टीज के बारे में रीड किया। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए HM क्लासेस के लिए। थैंक यू।